टुडे वी डिस्कस एपिफाइटोटिक्स. इट इज द टॉपिक ऑफ एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स प्लांट पैथोलॉजी स्पेशल पेपर एंड पेपर सेकेंड प्लांट स्पेशल पेपर सेकेंड प्लांट पैथोलॉजी एडवांस प्लांट पैथोलॉजी. सो वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द एपिफाइटोटिक्स. एपिफाइटोटिक्स को हम क्या कहते हैं, महामारी भी कहते हैं, एपिडेमिक्स भी इसको कहा जाता है और एपिफाइटोटिक्स भी कहा जाता है. दो तरीके के रोग जो हैं वो क्षेत्र विशेष में प्रसार के आधार पर पाए जाते हैं. पहला होता है एंडेमिक डिजीज, या इसको हम कहते हैं विशेष क्षेत्रीय रोग, और दूसरा होता है महामारी यानी एपिडेमिक्स या एपिफाइटोटिक्स. एंडेमिक डिजीज जो होती है वह भौगोलिक दृष्टि से एक सीमित क्षेत्र के अंदर होती है, सीमित क्षेत्र में पाई जाती है, और यह रोग जो है वो सीवियर भी हो सकता है और माइल्ड भी हो सकता है. लेकिन जो एपिडेमिक्स है जिसको हम एपिफाइटोटिक्स भी कहते हैं, ऐसे पादप रोग को विस्तृत एवं व्यापक रूप से लंबे चौड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैलता है इस तरीके का रोग, और एक ये निश्चित अवधि के लिए होते हैं. और पौधों के संदर्भ में इस प्रकार के रोगों को पादप महामारी यानी एपिफाइटोटिक्स कहते हैं. अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन क्या है एपिफाइटोटिक्स का. जैसा मैंने अभी बताया, अक्रेंस एंड आउटब्रेक ऑफ डिजीज इज नॉट यूनिफॉर्म इवन ऑन स्मॉलर एरियाज. यूनिफॉर्म नहीं होती है डिजीज, इसका जो आउटब्रेक है वो डिजीज का एक लंबे चौड़े एरिया के अंदर फैला हुआ होता है. मोस्टली डिजीज अपीयर्स इन ए वेरी लिटिल पॉपुलेशन विच इज टर्म्ड एज एंडेमिक और एपिफाइटोटिक डिजीज. ज्यादातर डिजीज या जो छोटे एरिया में फैली हुई होती हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि उनको हम क्या कहते हैं, सीमित क्षेत्र में या सीमित दायरे के अंदर जो डिजीज फैली हुई होती हैं उनको हम एंडेमिक डिजीज कहते हैं, और जो लंबे चौड़े क्षेत्र के अंदर फैली हुई होती है उसको हम एपिफाइटोटिक्स डिजीज कहते हैं. रेयरली और आफ्टर इंटरवल ऑफ सेवरल ईयर्स डिजीज आउटबर्स्ट रैपिडली ओवर ए वाइड रेंज ऑफ एरिया अफेक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ होस्ट पॉपुलेशन विच इज कॉल्ड एपिडेमिक और एपिफाइटोटिक. इट्स रिलेटेड टर्म इज एपिडेमियोलॉजी. इसको हम एपिडेमियोलॉजी के तरीके से पढ़ते हैं. जब हम रोग के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें होता है कि एपिडेमियोलॉजी इस डिजीज की क्या है. एग्जाम्पल्स ऑफ एपिफाइटोटिक डिजीज, इसके कुछ मेजर एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वीट रस्ट. ये डिजीज जो है किट रोग गेहूं का बहुत अधिक मात्रा में फैला करता था, लेकिन अब बहुत सारी हाइब्रिड लाइंस और रेजिस्टेंट वैरायटीज बनने से इस डिजीज पर काबू पा लिया गया है. नेक्स्ट है पोटैटो ब्लाइट, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से फैलता था. आयरिश पोटैटो फेमिन हुई थी 1845 से 46 में, और बंगाल फेमिन हुई थी 1943 में जो राइस के ऊपर हुई थी, जिससे बहुत बड़ा अकाल जो है बंगाल में पड़ा था. अब आते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग एपिडेमिक्स. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एपिडेमिक को प्रभावित करते हैं. पहला है होस्ट फैक्टर्स एंड एपिडेमिक्स. पहले हम पढ़ेंगे होस्ट फैक्टर्स, क्या क्या होस्ट फैक्टर्स हैं एपिडेमिक्स के. होस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आउटबस्टिंग ऑफ एपिडेमिक्स. सम फैक्टर्स आर एज फॉलोज. पहला है लेवल ऑफ जेनेटिक रेजिस्टेंस. जेनेटिक रेजिस्टेंस क्या है, प्लांट की जेनेटिक रेजिस्टेंस यदि स्ट्रांग है तो बीमारी बढ़ने के चांसेस जो है वो कम होते हैं, और रेजिस्टेंस यदि कम है तो बीमारी बढ़ने के चांसेस अधिक होते हैं. ये हम हर किसी के परिपेक्ष में इस बात को जान सकते हैं. ऑब्वियसली प्लांट कैरिंग वर्टिकल रेजिस्टेंस डू नॉट अलाउ ए पैथोजन टू इन्फेक्ट देम एंड एपिडेमिक कैन नॉट डेवलप इन रेफरेंस टू इंडिया. इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वीट रस्ट. पीवी 18 पंजाब की ये वैरायटी थी जो बहुत ससेप्टिबल थी रस्ट के प्रति. लोकवन भी काफी बाद में, पहले रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंट वैरायटी थी, लेकिन बाद में ये ससेप्टिबल हो गई. एचटी 2009 है वर्टिकल रेजिस्टेंट टू रस्ट. सेकंड है डिग्री ऑफ जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी ऑफ होस्ट प्लांट्स. जेनेटिकली यूनिफॉर्म होस्ट प्लांट्स पर्टिकुलरली विद रिगार्ड्स टू हैविंग रेजिस्टेंट जीन्स आर ग्रो ऑन ए लार्जर एरियाज. Chances are there that a new pathogen will develop to infect them, which may result in an epidemic. इसका उदाहरण है विक्टोरिया ओट. थर्ड है क्रॉप टाइप. क्रॉप किस प्रकार की है उस पर भी डिपेंड करता है कि एपिडेमिक्स
फैलेगा या नहीं फैलेगा। स्टडी ऑफ एपिडेमिक्स अकर्ड वर्ल्ड वाइड रिवील्स दैट एनुअल क्रॉप्स लाइक कॉर्न, राइस, कॉटन, पोटैटो, एनुअल फूडिंग प्लांट्स आर मोर सेंसिटिव टू एपिडेमिक्स इन कंपैरिजन टू वुडी प्लांट्स। वुडी प्लांट्स में एपिडेमिक की संभावना जो है काफ़ी कम होती है, लेकिन जो सॉफ्ट प्लांट हैं ये ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं इस डिजीज के प्रति। चौथा है एज ऑफ प्लांट्स। प्लांट रेजिस्टेंट टू डिजीज एंड ससेप्टिबिलिटी इज वेरिएबल विद एज। प्लांट्स इन यंगर स्टेज आर मोर ससेप्टिबल टू डैम्पिंग ऑफ रूट रॉट एंड डाउनी मिल्ड्यू एक्सेट्रा। एज पर, प्लांट की एज पर भी बीमारी जो है वो डिपेंड करती है। यदि प्लांट यंग है तो कैसा होगा, सॉफ्ट होगा और उसमें रेजिस्टेंट पावर जो है वो काफ़ी कम होगी, जिससे जो भी पैथोजन इनोकुलम है वो आसानी से उसको इन्फेक्ट कर सकता है और वुडी प्लांट्स में ये होने की संभावना जो है वो कम होती है। नेक्स्ट है पैथोजन फैक्टर्स एंड एपिडेमिक्स। पैथोजन फैक्टर्स क्या हो सकते हैं एपिडेमिक्स रोग को प्रसारित करने में। क्वांटिटी ऑफ इनोकुलम नियर होस्ट, यानी कितने होस्ट के, यानी जो परपोषी है उसके चारों तरफ इनोकुलम की क्वांटिटी कितनी है, कम है या अधिक है। अधिक है तो डिजीज के बढ़ने के चांसेस बहुत अधिक होंगे और यदि कम है तो उसके चांसेस उतने ही कम होंगे। लेवल ऑफ विरुलेंस, विरुलेंस कितना है यानी उसकी तीव्रता कितनी है, जो पैथोजन मौजूद है, जो इनोकुलम मौजूद है प्लांट के चारों तरफ, उसका विरुलेंस कितनी है, तीव्रता कितनी है। यदि तीव्रता अधिक है तो होस्ट को आसानी से पेनिट्रेट कर देंगे और तीव्रता यदि कम है तो होस्ट को आसानी से पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन पैथोजन, रिप्रोडक्शन का क्या प्रकार है पैथोजन का। पैथोजन रिप्रोडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनोकुलम प्रोडक्शन। मोर द रिप्रोडक्शन लीड्स टू मोर प्रोडक्शन ऑफ इनोकुलम। यदि रिप्रोडक्शन भी तीव्र है तो इनोकुलम भी तेजी से प्रभावित होगा और रिप्रोडक्शन यदि स्लो है तो इनोकुलम भी कम प्रभावित होगा। इकोलॉजी ऑफ पैथोजन, पैथोजन की इकोलॉजी क्या है। एयरबॉर्न है तो वो तीव्रता से प्रसारित होगा और एयरबॉर्न नहीं है तो वो इसमें कंपैरेटिवली थोड़ा धीमी गति से प्रसारित होगा, जिससे डिजीज जो है कितना स्प्रेड करेगी उस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंट एंड एपिडेमिक्स। एनवायरमेंट का एक विशेष रोल होता है एपिडेमिक्स के ऊपर और यह एनवायरमेंट जो है एक डिजीज को स्प्रेड करने में एक फेवरेबल रोल प्ले करता है। इसके कुछ फैक्टर्स हैं एनवायरमेंट के, जैसे टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर बहुत अधिक है तो इनोकुलम जो है उसके समाप्त होने के चांसेस अधिक होंगे और वो प्लांट को प्रभावित नहीं कर पाएगा, संक्रमित नहीं कर पाएगा। जैसे उदाहरण है पक्सीनिया का। पक्सीनिया का यदि टेम्परेचर लो है तो रूडोस्पोर्स जो है वो आसानी से बनेंगे और बनने के बाद में सेकेंडरी इन्फेक्शन फैलाएंगे, और यदि हाई टेम्परेचर है तो यूरिडोस्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा और सेकेंडरी इन्फेक्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट है मॉइस्चर। मॉइस्चर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिजीज को स्प्रेड करने में। यदि मॉइस्चर अधिक है तो डिजीज ज़्यादा मात्रा में स्प्रेड होगी और यदि मॉइस्चर कम है तो डिजीज के बढ़ने के चांसेस जो है वो काफ़ी कम होंगे। यहाँ पर उदाहरण है एल्ब्यूगो का। एल्ब्यूगो की कोनिडिया, एल्ब्यूगो क्या कारित करता है, एल्ब्यूगो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कारित करता है। इसके जो कोनिडिया है वो सफ़ेद रंग के होते हैं, जो पत्ती की निचली सतह से निकले हुए रहते हैं। तो कोनिडिया यदि टेम्परेचर कम है और बारिश भी है तो जूसपोर का फॉर्मेशन होगा और सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा। यदि एल्ब्यूगो के कोनिडिया बन रहे हैं और उस टाइम बारिश नहीं है तो जूसपोर का फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है ह्यूमन कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड एपिडेमिक्स। ह्यूमन क्या प्रैक्टिसेस काम में लेता है खेती करते टाइम, उस पर भी डिपेंड करता है कि बीमारी जो है किस तरीके से स्प्रेड करेगी, जिसमें पहला है रिपीटेड क्रॉपिंग ऑन सेम फील्ड। यदि क्रॉपिंग जो है एक साथ, जैसे हमने सरसों की फसल बोई और हम हर साल सरसों की फसल ही बोते जा रहे हैं, तो उसमें डिजीज की संभावना जो है बहुत अधिक रहेगी, क्योंकि जैसे वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर के कोनिडिया जो है वो मिट्टी में पड़े रहते हैं और उसी में हमने क्या किया, वापस से फसल बो दी, तो वो कोनिडिया उन छोटे छोटे प्लांट्स को बहुत आसानी से इन्फेक्ट कर देंगे। और यदि हमने इसमें क्रॉप रोटेशन किया, क्रॉप रोटेशन करने से क्या होगा कि हमने कोई दूसरी खेती की, दूसरी फसल बोई,
तो धीमे धीमे उनकी जो विरुलेंट पावर है, कोनिडिया की जो विरुलेंट पावर है वो घट जाएगी। ये पावर 2-3 साल तक अधिक रहती है, धीमे धीमे जो है कम होती चली जाती है। और यदि हमने क्रॉपिंग सिस्टम में क्रॉप रोटेशन किया, सरसों के बाद हमने कोई दूसरी क्रॉप की, उसके तीसरी साल में कोई दूसरी क्रॉप की, तो ये जो इनोकुलम है वो धीमे धीमे समाप्त हो जाता है और हमारी जो फसल है वो सुरक्षित रहती है। तो यहाँ पर जो उदाहरण है रेप एंड मस्टर्ड का है, और रेप एंड मस्टर्ड में क्या होता है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स होता है एल्बिगो कैंडिडा के द्वारा। इसलिए क्रॉप रोटेशन को इस्तेमाल करना चाहिए। यूज ऑफ सीड्स, सीड्स का इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए, जब हम सीड्स को कलेक्ट करके रखते हैं तो वहां पर क्या होता है, सीड बॉर्न डिजीज जो है वो उन सीड्स के अंदर रह जाती हैं और हम सारे सीड्स को कलेक्ट कर देते हैं। तो हमें सीड्स का क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसे हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, ड्राई ट्रीटमेंट है, सन ट्रीटमेंट है, इस तरीके का ट्रीटमेंट जो है हमें सीड्स का करना चाहिए, जिससे जो भी इनोकुलम उन सीड्स पर मौजूद हो वो इनोकुलम जो है वो समाप्त हो जाए और हमारा फसल जो है वो संक्रमित ना होने पाए। थर्ड है लैक ऑफ नॉलेज, किसानों को जानकारी जो है बहुत कम होती है कि किस तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए। इस जानकारी के अभाव में भी डिजीज जो है वो अधिक मात्रा में स्प्रेड हो जाती है। ये फैक्टर्स कुछ निम्न प्रकार के, जैसे लो लाइंग, पुअरली ड्रेन्ड सॉइल, यूज ऑफ केमिकल्स, फंजीसाइड्स एक्सेट्रा एंड नॉलेज ऑफ रेजिस्टेंस।